ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर आदिवासियों की उपेक्षा और फर्जी मुठभेड़ों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार की विफलताओं को भी उजागर किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि जब भाजपा सत्ता में आई तो फर्जी मुठभेड़ों का दौर वापस शुरू हो गया। उन्होंने आदिवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने पर भी चिंता जताई। आज विश्व आदिवासी दिवस है। प्रदेश के सभी आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी होने के नाते और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, आदिवासी समाज से होने के नाते, कुछ आदिवासियों से जुड़े मुद्दे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पत्र लिख रहा हूं कि इस 8 महीने की सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हुए हैं। आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। जब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे, पूरे आदिवासी समाज को प्रसन्नता हुई थी कि आदिवासी समाज के प्रदेश का मुखिया बनाया गया है। 8 महीने की आपकी सरकार में आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, उपेक्षा से आज पूरा समाज आहत है। बस्तर में एक बार फिर से आदिवासी नक्सलवादी और सुरक्षा बलों के दो पार्टों के बीच में फिसरा है। पिछले 5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की जो हत्याएं रुक गई थी, आपके सरकार में लगातार फिर से बस्तर के आदिवासियों के ऊपर फर्जी मुठभेड़, फर्जी सरेंडर, फर्जी नक्सलियों के नाम से जेल भेजने का काम आपकी सरकार ने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लगातार अत्याचार कर रही है। बैज ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी दिवस पर कोई कार्यक्रम नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगे राजनीतिक प्रकरणों और बलौदा बाजार मामले पर भी सरकार को घेरा। जिस तरह से बलौदा बाजार घटना को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफलता की वजह से घटना घटी है, अपनी विफलता को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई कर रही है। हमारे विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी बलौदा बाजार जा चुके थे, उनकी बयान हो चुकी थी, लेकिन फिर से रात को 9 बजे घर में आकर नोटिस देना, बुलाना, ये सीधा सीधा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए है। अगर हमारे विधायकों पर इस तरह हमारे विधायकों को प्रताड़ित करते रहे तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़े करेंगे। अगर हिम्मत है, सरकार पाक साफ है, तो फिर सतनामी समाज सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, पी सरकार सीबीआई जांच की क्यों घोषणा नहीं की, मैं पूछना चाहता हूं उससे। ऐसे प्रदेश में इससे 2-3 महीना पहले देखें, कई प्रकरणों में सीबीआई जांच की घोषणा हुई, तो इस केस में इतनी बड़ी घटना में सीबीआई जांच की घोषणा क्यों नहीं कर रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर प्रताड़ित करना बंद करें, अन्यथा सरकार के खिलाफ जंगी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अगर लगातार मौतें हो रही है, हम मीडिया पेपरों के माध्यम से लगातार हम देख रहे हैं, तो प्रदेश में अगर मौतें हो रही है, अगर सरकार उसको कंट्रोल अगर बोल रही है, मैं समझता हूँ सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में चली गई है।
दवा खरीदी और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमीशन खोरी में लग गई है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही क्यों, पूरी सरकार कमीशन खोरी में लग गई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का लचर व्यवस्था के चलते मासूम आदिवासियों की डायरिया और मलेरिया से मौतें हो रही है, जो हमारी सरकार में नहीं हुई वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर पर चली गई है और इसका कोई भी नियंत्रण सरकार में नहीं है। फिलहाल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आदिवासी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।